जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेन के छत पर लगी ये जालीनुमा आकृति आखिर ये क्या करती है और चोरी से बचने के लिए रेलवे ने अपने पंखों को 110 वोल्ट क्यों कर दिया और ट्रेन का जो एसी होता है ये कितने टन का होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है और ये इसके नीचे इस तरह से सिलिंड्रिकल ड्रम क्यों लगाए रहते। कोच के बाहर यहाँ लिखा रहता है साइड फिलिंग, इसका मतलब क्या होता है और यहाँ लिफ्ट हियर क्यों लिखा जाता है। रेलवे अपने ट्रेनों में से इस तरह की स्क्रू कपलिंग को हटाकर सीबीसी कपलिंग को क्यों करना चाह रहा है और ट्रेन के अंदर लगे इस लाइट्स का मतलब क्या होता है जो बीच में लगे रहते हैं। साथ ही रेलवे अपने टॉयलेट को जो सीडीटीएस टॉयलेट थे इसको हटाकर ये अभी कन्वर्ट करने जा रहा है बायो टॉयलेट में। रेलवे अपने आधुनिक ट्रेनों से इस साइड बूफर को क्यों हटा दिया और ये क्या करते थे साइड बूफर, अब नए ट्रेनों में ये साइड बूफर को क्यों नहीं लगाया जा रहा है। आप देखे होंगे किसी ट्रेन के साइड में यहाँ पीले रंग की पट्टी बनाई गई है, जबकि आप इस ट्रेन में देखेंगे तो यहाँ कोई भी पट्टी नहीं बनाई गई है। किसी ट्रेन के आप बोगी पे देखेंगे तो ऐसे लाइनिंग ये क्यों खींची गई रहती है, इसका मतलब क्या होता है। ट्रेन में सफर के दौरान आप ट्रेन के छत पर इस तरह एक जालीनुमा आकृति देखे होंगे, इसे रूफ वेंटिलेटर कहते हैं। आपको पता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है, जब ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उसमें गर्म हवा बनने लगती है और ये गर्म हवा ट्रेन के ऊपर जाती है, जिस वजह से इसको निकालना जरूरी है, नहीं तो ट्रेन डिसबैलेंस होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इस हवा को बाहर निकलने के लिए जाली दे दिया जाता है और इसको ऊपर की ओर, ट्रेन के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से निकलने का रास्ता दे दिया जाता है और उसको केवल इस तरह से ढक दिया जाता है कि बारिश के दौरान डायरेक्ट पानी अंदर ना आए, तो इसे हम लोग रूफ वेंटिलेटर सिस्टम कहते हैं। आप एक और चीज देखे होंगे कि ट्रेन के पंखे या बल्ब आपके घर में बिजली से नहीं चल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पहले लोग ट्रेन की लाइट पंखे चोरी करके लेके चले जाते थे, तो रेलवे ने दिमाग लगाया। रेलवे ने कहा कि लोगों को घर में या तो 220 वोल्ट की एसी करंट रहती है और लाइट कट जाती है तो लोग डीसी चलाते हैं, तो डीसी अमूमन 12 वोल्ट का रहता है, मीडियम लेवल की कोई भी मशीन 24 वोल्ट की बड़ी चीजें रहती हैं और 5 वोल्ट के छोटे छोटे खिलौने वगैरह रहते हैं। यानी रेलवे समझ गई कि एसी अगर घर में चाहिए तो 220 वोल्ट और डीसी चाहिए तो 24 या 12 चाहिए, तो रेलवे ने दिमाग लगाया। रेलवे ने अपने पंखे तथा बत्ती को 110 वोल्ट डीसी दे दिया। अब किसी के घर में 110 वोल्ट डीसी रहता ही नहीं है, अब क्या करिएगा ले जाके, ये तो ये आपके लिए एकदम बेकार हो गया, इससे रेलवे की सामानों की चोरी रुक गई। ये 110 वोल्ट डीसी कहाँ से आता है, तो ट्रेन के नीचे लगे इस बैटरी बॉक्स से आता है। आप ट्रेन के नीचे देखे होंगे इस तरह से एक बैटरी बॉक्स लगी रहती है, इसी बैटरी बॉक्स से आता है। और आप गौर किए होंगे कि ट्रेन के जितने चार्जर वगैरह होते हैं ना सर, आधे से ज़्यादा तो जले हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। यानी अगर आप वोल्टेज को कम करिएगा तो धारा यानी करेंट बढ़ जाएगा। अब ट्रेन में 110 वोल्ट रहता है और घर में 220 वोल्ट, यानी ट्रेन का वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम होने से उसमें धारा बढ़ जाती है, इस वजह से तार के जलने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे ट्रेनों में लिखा रहता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल इत्यादि को चार्ज में न लगाएं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि चार्ज में लगाकर अगर आप सो गए हैं तो ज़्यादा देर तक उसमें सप्लाई रहेगी तो बहुत ज़्यादा धारा जाने से उसमें आग लग सकता है। कोच के अंदर की बैटरी को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इस तरह से एक इंडिकेटर लगा दिया जाता है। आप ट्रेन में देखे होंगे ऐसे इंडिकेटर लगे रहते हैं, ग्रीन का मतलब एकदम मेंटेन है बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है, येलो चार्जिंग मोड में रहती है और अगर रेड जलने लगा है तो समझ जाइएगा कि भाई आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ट्रेन कोच का जो बैटरी होता है वो डीसी देता है और ये जो डीसी होते हैं ये कम वोल्टेज पे दिए जाते हैं, लगभग 110 वोल्ट पर दिए जाते हैं। आपको पता है कि जब भी वोल्टेज कम रहता है तो धारा ज़्यादा हो जाती है और वहाँ शॉर्ट सर्किट का डर होता है। आप ट्रेन पर पायदान के पास देखिएगा, एक और लिखा रहता है साइड फिलिंग और एक और लिखा रहता है लिफ्ट हियर, वो कहीं भी लिखा रहता है, मतलब जनरली ये पायदान के पास लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो पहले लिफ्ट हियर समझिए, लिफ्ट का मतलब उठाना है, यहाँ से उठाइए, यानी यहीं से बोगी को उठाया जाता है ऊपर कोच को अलग करने के लिए। जैसे मेंटेनेंस के लिए ट्रेन जाती है तो उसके बोगी को उठा लिया जाता है, मतलब कोच को उठा लिया जाता है और बोगी को साइड में कर दिया जाता है। तो उठाने के लिए आखिर कहां पर आप क्रेन फंसाइएगा, वहीं ना फंसाना होगा, पता चला कहीं और फंसा देंगे तो अंदर का कोई इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। तो फंसाने वाले जगह को इंडिकेट करने के लिए लिखा रहता है लिफ्ट हियर, यहां देखिए उठा लिया गया, ये ऊपर उठ गया और इसकी जो बोगी जिसमें चक्कर रहता है उसे बोगी कहते हैं, बोगी बाहर निकल जाएगी। अब साइड फिलिंग का मतलब समझते हैं, साइड फिलिंग का मतलब होता है साइड, मतलब इस साइड से
या फिलिंग मतलब भरिए, ये पानी भरने के लिए जगह दिया होता है साइड फिलिंग, ताकि टंकी में पानी को आप भर सके। पानी भरने की व्यवस्था रेलवे के हर स्टेशन पे नहीं रहते हैं, बड़े बड़े स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था रहती है। इसके लिए आप देखेंगे 4 इंच मोटा एक पाइप रहता है, जिसमें से ये फ्लेक्सिबल पाइप निकले रहते हैं। इन पाइप की मदद से हम यहाँ से रेलवे का कोई स्टाफ इस साइड फिलिंग जहाँ रहता है वहाँ उस पानी को भरने लगता है। ये पानी कहाँ जाता है, तो ये उस कोच के टंकी में जाता है। एक कोच में 4 टंकी रहती है, 2 इस साइड के बाथरूम में, हर बाथरूम की टंकी अलग रहती है, तो 2 इस साइड में 2 इस साइड में रहती है, यानी टोटल 4 टंकी रहती है। और एक टंकी की जो कैपेसिटी होती है वो 500 लीटर रहती है, और इसको भरने में 20 मिनट का समय लगता है। तो ये आप देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 500 लीटर की एक रहती है, ऐसे ऐसे 4 टंकी रहते हैं क्योंकि 4 बाथरूम रहता है एक डिब्बे में, तो टोटल 2000 लीटर इसमें भरा जाता है। लगभग 20 मिनट में इसे भर दिया जाता है। ये रेलवे स्टाफ के काम होता है कि जैसे ट्रेन आके लगेगी तुरंत उसको भरना है, इसीलिए उसे ढूंढना ना पड़े ताकि ट्रेन लेट ना हो, वहाँ स्पष्ट लिख दिया जाता है साइड फिलिंग, यहीं से आप उसको भरिए। लेकिन ससुरा एक दिक्कत आ गया, एसी का जो डिब्बा होता है ना उसमें यहीं पर एसी लगा रहता है। अब बताइए जहाँ टंकी बनाना था वहाँ एसी लग गया, अब क्या करेंगे। एसी के डिब्बों को देखिएगा तो इस साइड में ये थोड़ा सा पचके होते हैं, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ना ये साइड से ये थोड़ा सा पचका हुआ है। क्यों पचका है, क्योंकि वहाँ टंकी नहीं है, वहाँ पर क्या लगा हुआ है एसी। जबकि आप नॉर्मल ट्रेनों को देखेंगे जिसमें एसी नहीं है वो एक बराबर रहते हैं सब। अब यहाँ एसी लगे होने के वजह से हमको टंकी कहीं और सेट करना पड़ेगा, इसीलिए टंकी नीचे सेट कर दिया जाता है, जिसे 2 ड्रम सिलिंड्रिकल टाइप के दिखाई देते हैं, जिसे वाटर टैंक है, इसी में से पानी का यूज किया जाता है। अब ये जो एसी लगे होते हैं इसे हम कहते हैं रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ये 2 एसी होते हैं, एक इस दरवाजे के ऊपर होते हैं, एक उस साइड के दरवाजे पर होते हैं। हर एसी की क्षमता 7 टन होती है, इसलिए एक ट्रेन के कोच में एक डिब्बे में 2 एसी है, अतः 7 × 14 टन इनकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। ये चलते हैं 415 वोल्ट के 3-फेज एसी सप्लाई से, इन्हें जनरेटर द्वारा दे दिया जाता है 3-फेज एसी सप्लाई। देखिए ट्रेन के जो पानी भरा जाता है, जनरली किसी डिब्बे में ऊपर की ओर टंकी रहता है जबकि एसी वाले में नीचे रहता है। इस पानी को अमूमन कोई पीता नहीं है, ज्यादातर लोग हाथ वगैरह धोने या बाथरूम के काम में इसे लेते हैं। अब बाथरूम से रेलवे को बहुत बड़ा दिक्कत था, लोग बाथरूम करते थे टॉयलेट बाथरूम, तो उनका जो वेस्टेज था वो पटरी पे गिरता था, जिससे पटरियों को जंग लग जाता था। तो जो पहले के जमाने के ट्रेन थे ना बाथरूम, उसमें ओपन डिस्चार्ज सिस्टम था, यानी अगर कोई टॉयलेट बाथरूम गया तो उसका टोटल भी वेस्टेज है पटरी पर गिरेगा। इससे 2 समस्या, एक पटरी पे जंग लगता था, दूसरे जब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी रहती थी और उसमें कोई बाथरूम में गया है तो रेलवे ट्रैक पर बहुत ज्यादा गंदगी होने लगती थी। बड़े स्टेशनों पे तो इसे सफाई कर दिया जाता था, लेकिन छोटे स्टेशन पे साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे बचने के लिए रेलवे ने ओपन डिस्चार्ज सिस्टम को बंद किया। आप देखे होंगे पहले के ट्रेन में एक पाइप ऐसे लटका रहता था नीचे साइड में, ओपन डिस्चार्ज, इसमें कोई रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, सीधे नीचे गिर जाता था। इसके जगह पर रेलवे इस राउंड शेप के टंकी को लाया, बाथरूम को सेट किया, जिसे कहा जाता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, शॉर्टकट में कहेंगे तो CDTC। ये क्या करता है, ये टॉयलेट को कंट्रोल करके रखता है जब तक कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को ना छोड़ दे। अब इस ससुरा को कैसे पता चलेगा कि ट्रेन में प्लेटफॉर्म को छोड़ दिए, तो इस पर एक सिस्टम लगा रहता है कि जब तक ट्रेन की स्पीड 30 नहीं हो जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर, तब तक इसके अंदर से डिस्चार्ज का ढक्कन खुलेगा ही नहीं कि बाहर नीचे गिरे। लेकिन इस विधि द्वारा आप गंदगी को रोक सकते हैं, लेकिन गंदगी थोड़े दूर पर तो हो ही रही है, ट्रैक को भी ज्यादा खतरा हो रहा है क्योंकि उस पे जंग लग रहा है। इसके लिए 2011 में DRDO ने एक बैक्टीरिया के मदद से एक टॉयलेट को बनाया, जिसे हम कहते हैं बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट आप देखे होंगे आजकल हर एक ट्रेन में मिलेगा, एक चौकोर डब्बा लगा रहता है इस साइड में, इसके अंदर कई ठो पार्ट बने रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया जीवाणुओं को डालकर DRDO भेजी रहती है। ये क्या करते हैं, हमारे टॉयलेट बाथरूम को उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और गैस बनाकर वो निकल जाते हैं। इसमें किसी तरह का मेंटेनेंस भी नहीं है, ट्रैक पे गंदगी भी नहीं होगी और ट्रैक भी जंग लगने से बच जाएगा। अतः अभी के समय में जितने भी टॉयलेट है वो DRDO द्वारा बनाए गए बायो टॉयलेट का ही यूज हो रहा है, ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं। बायो टॉयलेट की एक खराबी है कि अगर उसमें आप कलम या कुछ कचरा प्लास्टिक डाल देंगे तो बैक्टीरिया अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिखा रहता था कृपया इसमें कचरा न डालें।
लेकिन हिंदुस्तान के लोग को इतना समझ है, ससुरा पानी तो डालते ही नहीं है सर, कचरा कैसे हटा देगा सर, जाएगा सर तो उसमें किसी किसी का नाम लिख देता है सर बाथरूमों में। तो इसलिए रेलवे ना इसमें कचरा ना जाए उसके लिए इसके फ्लश पे एक जाली लगा देती। देखिए आप किसी भी टॉयलेट के सीट को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो बायो टॉयलेट है या फिर ओपन डिस्चार्ज है या फिर वो CDTS है। ये तो एक सीट है बैठने के लिए, इसे वेस्टर्न कल्चर का कहते हैं, ये इंडियन कल्चर कहते हैं। अगर आपको पता करना है कि टॉयलेट कौन सा है फिर तो आपको कोच से बाहर आना पड़ेगा और नीचे का देखना पड़ेगा कि कौन से प्रकार का टॉयलेट है। हालांकि आजकल जितने भी देखने को मिलेंगे वो सब के सब बायो टॉयलेट ही लगाए जा रहे हैं। नीले रंग वाली ICF कोच में बिजली बनाने के लिए उसके अंदर अल्टरनेटर लगाया जाता था जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती थी। इसलिए नए जमाने के LHB कोच में अल्टरनेटर हटाकर एक जनरेटर कार दे दिया जाता है जिसे एक्स्ट्रा में जोड़ दिया जाता है। ये जनरेटर कार जो होता है 750 वोल्ट की बिजली बनाता है जो 3 फेज का AC करंट होता है, जबकि ट्रेन में सबसे ज्यादा बिजली की खपत AC में होती है और AC भी जो होता है वो 415 वोल्ट ही लेता है। तो आप कहेंगे कि ये 750 वोल्ट क्यों बनाया, तो देखिए जब करंट आप दूर सप्लाई देते हैं तो कुछ वोल्टेज लॉस होता है, इसलिए ये 750 वोल्टेज बनाता है कि ताकि AC कोच तक पहुंचते वो 415 वोल्ट मिल जाए। लंबी दूरी के ट्रेन में एक पेंट्री कार होता है जिसमें खाना बनाया जाता है, उसमें इस तरह से खाना बना दिया जाता है और आपको सर्व कर दिया जाता है खाना। लेकिन बहुत से ऐसी ट्रेन है जिसमें पेंट्री कार नहीं होता है तो उसे ऑन बोर्ड कैटरिंग यानी बड़े स्टेशनों से खाना डायरेक्ट रेडीमेड बनाकर और उसमें सर्व किया जाता है। ट्रेन के किसी किसी डब्बे पर आप टॉयलेट के पास इस तरह से लाइनिंग देखते होंगे, ये जनरल बॉगी को दर्शाता है कि ये बॉगी जनरल है, इसमें कोई भी घुस सकता है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जनरल बॉगी की एक और पहचान होती है कि इसमें 3 दरवाजे लगाए जाते हैं। 3 दरवाजे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें भयानक कोच के पूरा भीड़ होता है, एकदम भयानक एकदम, देखिए ना, अतः यह भीड़ जल्दी से निकल जाए और जल्दी से एंट्री कर जाए इसलिए इसमें 3 दरवाजे दिए जाते हैं। स्लीपर में केवल 2 दरवाजे दिए जाते हैं एक साइड में। एक चीज आप गौर किए होंगे कि जनरल बॉगी या तो शुरू में लगाता है या तो लास्ट में लगाता है, यानी अमूमन दोनों साइड में लगाता है, बीच में जनरल नहीं रहते हैं, बीच में स्लीपर बॉगी को लगाया जाता है और AC को। देखिए स्लीपर बॉगी में अगर हम 3 दरवाजे देंगे तो उसमें सीट की संख्या घट जाएगी, इसलिए उसमें 2 ही दरवाजे दिए जाते हैं और स्लीपर में भीड़ भी कम रहता है। स्लीपर का अगर आप लॉन देखिएगा तो एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहां देखिए एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको क्या लिए ध्यान से देख रहे हैं, आप लोग इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए, तो ये पूरा बॉगी एक से दूसरे से जुड़ा रहता है, पूरा डिब्बा एक से दूसरे में। आप देखिए इसको जोड़ने के लिए, यहाँ कनेक्ट करने के लिए एक दरवाजे दिए रहते हैं। आप ये काले रंग का पाइप देखे होंगे इस तरह से किसी किसी ट्रेन में रहता है, तो ये इस बॉगी से आप उस बॉगी में जा सकते हैं। यहाँ नीचे एक पैरदान बना दिया जाता है ताकि आप वहां से जा सकते हैं। आप देखेंगे स्लीपर का पूरा डिब्बा आपस में कनेक्ट रहता है और आप इस बीच के कनेक्टर के द्वारा इस डिब्बे से इस डिब्बे में आप आराम से आ सकते हैं, जबकि जनरल डिब्बा आपस में नहीं कनेक्ट रहता है। इसीलिए जनरल डिब्बे को शुरू में दे देते हैं और लास्ट में दे देते हैं और बीच में इसे नहीं देते हैं क्योंकि बीच में देने के बाद कनेक्शन कट जाएगा। रेलवे के कुछ डिब्बों पे देखे होंगे साइड में यहाँ आपको पीले रंग से कॉर्नर को रंग देता है और कुछ डिब्बे को पीले रंग से नहीं रंगता है। इसका मेन ये रीजन होता है, ये कॉपलिंग को दर्शाता है। देखिए कॉपलिंग क्या होता है, 2 डिब्बे को जोड़ने के लिए एक कॉपलिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पहले जमाने के जो नीले रंग के डिब्बे थे उसको जोड़ने के लिए स्क्रू कॉपलर का प्रयोग करते थे, यानी इस डिब्बे को और इस डिब्बे को जोड़कर एक हुक से इस स्क्रू को कस दिया जाता था। इसमें समस्या क्या होती थी, कसने का तो कस दिए, जब ट्रेन चलती थी तो उसमें तनाव रहता था, लेकिन जब ट्रेन रुकती थी तो रुकने के बाद से ये स्क्रू नीचे हो जाता था और ये डिब्बा उस डिब्बे पर चढ़ने का डर होता था, टकरा मच जाए। तो इस टकराने को रोकने के लिए इसमें 2-2 साइड बफर लगाए जाते थे। ये साइड बफर ये ताबा इतना सब रहता है, बचपन में हम लोग कहते थे कि चुंबक है, ये चुंबक नहीं है, स्प्रिंग है कि अगर ट्रेन रुक गई स्क्रू कॉपलिंग से तो ये डिब्बा उस पर ना चढ़ जाए, तो ये इस पर चढ़ेगा तो ये साइड बफर जो है आपस में टकराएंगे, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, ये कुछ अंदर जाएगा और फिर ये उसको ढकेल देगा। इस तरह से ये एक दुर्घटना को रोक सकती थी, लेकिन इसमें झटके ज्यादा लगते हैं। दूसरा एक और डीमेरिट है कि इसमें आपको लोहे की बर्बादी है, 2-2 साइड बफर जोड़ रहे हैं इतना हैवी, फिर इस डिब्बे को जोड़ने के लिए स्क्रू कॉपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो इतना क्यों किया जाए। तो रेलवे ने दिमाग लगाया, उसने ये बिना पीला पट्टी वाले के जगह पे एक पीला पट्टी वाला लाया और उसको उसने बदल दिया सेंटर बफर कॉपलर में। नए जमाने के जितने भी
LHB कोचेज है, इसमें आप कहीं पे भी देखिए यहाँ साइड बफर नहीं मिलेगा आपको, बल्कि इसका जो कपलिंग होता है LHB का वो होता है सेंटर बफर कपलिंग, यानी इसके बीच में ही जो बफर यानी स्प्रिंग लगाना होता है उसी के मुंह पर एक क्या कर देते हैं, कपलिंग भी जोड़ देते हैं, यानी वही डिब्बे को जोड़े रहता है और वही स्प्रिंग का भी काम करता है। आप देखिए इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर बफर। देखिए ये शुरुआत का हिस्सा किसका काम कर दिया, ये बफर का काम कर दिया यहाँ पर, यानी स्प्रिंग शॉकर का काम कर दिया, झटका नहीं देगा। और बीच में ये वाला मोटा सा हिस्सा ये किसका काम कर दिया, कपलिंग का। तो ये शुरुआती भाग इसका कपलिंग का है और पीछे का भाग बफर का है, तो इसे हम कहते हैं CBC यानी सेंटर बफर कपलर। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, इससे एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन को इधर उधर छटकने का मतलब डिब्बा को बिखरने का डर नहीं रहता है, एक ही जगह रहता है और ये ज्यादा झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस डिब्बे में सेंटर कपलिंग यानी CBC होता है उसका कोना पीले रंग से रंग दिया जाता है और जिसमें नहीं रहता है उसको नहीं रंगा जाता है। तो ये जो सेंट्रल कपलिंग था यानी CBC, तो जितने भी LHB कोच आए थे नए जमाने के उसमें ये ऑलरेडी इनबिल्ट था, लेकिन जो पुराने जमाने के ICF कोच थे उसमें आज भी साइड बफर का यूज होता है। तो रेलवे इन साइड बफर को हटा रही है, तो जैसे इसमें देखिए इसका साइड बफर को काट दिया गया है, तो इसको देखा गया रेलवे द्वारा कि इस डिब्बे की अभी आयु है, इसका एज है, बस इसमें प्रॉब्लम है इस साइड बफर और स्क्रू कपलिंग से, तो इसके स्क्रू कपलिंग को हटा दिया गया और साइड बफर को हटा दिया गया और इसमें CBC यानी सेंटर कपलिंग को जोड़ दिया गया। इसकी पहचान आराम से कर ली जाए इसलिए इसके साइड में आप देखिएगा पीले रंग का पेंट कर दिया गया है ताकि इसकी पहचान हो सके। आप इस ICF कोच को देखिए, इसमें किसी भी तरह का यहाँ साइड में पीले रंग का कोई निशान नहीं है, अतः इसमें अभी भी आपको साइड बफर दिखाई देगा, इसमें साइड बफर है और ये स्क्रू कपलिंग का प्रयोग कर रहा है और LHB की तो बातें नहीं करिए, इसमें तो CBC देता ही है। आप ट्रेन के डब्बे पर कुछ नंबर लिखे देखे होंगे, इसे हम कोच नंबर कहते हैं, ये 5 डिजिट यानी 5 अक्षर का होता है। शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं ये इस साल को दर्शाते हैं कि किस साल में ये कोच बना हुआ है, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो टाइप को दर्शाते हैं किस टाइप का ये कोच है। जैसे इसके शुरू में लिखा है 04 यानी ये 2004 का बना हुआ है, लास्ट में पढ़िए 052 ये AC कोच को दर्शाता है। देखिए AC कोच 1 नंबर का डिब्बा माना जाता है, तो 1 से लेकर 200 तक का नंबर ये AC कोच को दर्शाते हैं, 1 से लेकर 200 तक का। तो आप बताइए 52 किस में आएगा, 1 से लेकर 200 के बीच में, यानी ये AC डिब्बा है और शुरुआत का 2 अक्षर 04 ये बता रहा है कि 2004 का बना हुआ है। अब AC के बाद सेकंड नंबर आता है किसका, स्लीपर का, तो 1 से 200 AC हो गया, तो 200 से लेकर 400 तक स्लीपर होगा, स्लीपर बोगी 200 से 400 होगा। आप देखिए इसमें लिखा है 98335, तो 98 क्या है कि ये डिब्बा भैया 1998 का बना है, 335 तो ये 200 से 400 के बीच में आएगा, ये कौन सा है, तो स्लीपर को ये दर्शा रहा है। अब स्लीपर के बाद आता है आपका जनरल, तो जनरल कहां से होगा, तो भाई 1 से 200 AC हो गया, 200 से 400 स्लीपर हो गया, तो 400 से लेके 600 के बीच में आपका जनरल डिब्बा आ जाएगा। आप यहां पर ये लिखा है, हम यहां बड़ा लिख देते हैं 12429, तो ये कब का बना है, 2012 का, 429 देखिए 400 से लेके 600 के बीच में आएगा, अतः ये जनरल डिब्बा है। जनरल डिब्बे की दो और पहचान आपको बता दी है कि आपके दरवाजे इसमें कितने दिखाई देंगे, 3 दरवाजे इसमें दिखाई देंगे, साथ में साइड में यहां इसे लाइनिंग भी दिखाई देगी। अब 600 से 700 चेयर कार को दर्शाता है। देखिए ट्रेन में जब भीड़ ज्यादा हो जाए और सबको रिजर्वेशन नहीं दे पाती है तो कम दूरी के लिए चेयर कार दे दिया जाता है, उसमें काफी अच्छा चेयर होता है, आरामदायक होता है फ्लाइट के जैसे, जैसे जन शताब्दी हो गया इसमें केवल आपको बैठने के लिए यही मिलेगा और इसका भी रिजर्वेशन होता है, तो वो चेयर कार के डिब्बा को दर्शाया जाता है, कहां से 600 से लेकर 700 तक के चेयर कार को दर्शाया जाता है। जैसे यहां लिखा है 02615, अब बताइए 2002 की बनी है, 615 तो इसी के बीच में आएगा, ये जन शताब्दी ट्रेन है और ये चेयर कार डिब्बा को दर्शा रहा है। अब 700 से 800 तक का नंबर जो होता है वो सीटिंग कॉम लगेज को दर्शाता है। जब कभी रेलवे को ऐसे डिब्बे भेजने रहते हैं कि जिसमें ज्यादा सामान नहीं ले जाना है, तो क्या करते हैं, उस डिब्बे में आधा बैठने का जगह बना देता है सीटिंग के लिए और आधा लगेज को बना देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सीटिंग कॉम लगेज। इसका नंबर 700 से 800 के बीच में होता है। आप यहां पढ़िएगा लिखा है 08701, तो आप बताइए 701 तो 700 और 800 के बीच में ही आएगा, अतः यह
सीटिंग कम लगेज है, आधा जो लगेज होगा और आधा में आदमी बैठेंगे, तो इसको जनरली रेलवे क्या करती है कि इसको विकलांग श्रेणी में डाल देती है, क्योंकि हैंडीकैप की संख्या कम होती है तो उनको इसी में डाल देती है कि भाई आप इसमें सेफ रहिए। तो ये आप इसको पहचान सकते हैं, ये 2008 का है। अब जिस भी डिब्बे के ऊपर 800 से ज़्यादा का नंबर लिखा रहता है तो या तो वो चिट्ठी ले जाने वाली बोगी होगी या तो पेंट्री कार वाला होगा। जैसे ये देखिए पेंट्री कार में क्या लिखा 805, तो 805 ये नहीं 800 से ज़्यादा है, तभी तो क्या लिखा है भाई पेंट्री कार का 800 से 5 है। जैसे यहाँ आप पढ़िए तो 15 का मतलब क्या है भाई 2015 का है, 857 800 से ज़्यादा जनरेटर कार है, तो 800 से ज़्यादा में या तो पेंट्री कार होगा या तो फिर मेल वाला होगा जो चिट्ठी ले जाता है या तो जनरेटर कार होगा। आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे, यहाँ सी लिखा हुआ है। सी किस चीज को दर्शा रहा है कि कॉपलिंग को दर्शा रहा है कि ये सीबीसी कॉपलिंग है और इसमें साइड बफर नहीं लगा है। अब ट्रेन के लास्ट में एक क्रॉस बना रहता है जो ये बताता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है, यही लास्ट डिब्बा था। और यहाँ लास्ट में आपको एलवी लिखा रहता है, एलवी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी आखिरी डिब्बा अब निकल गया है टेंशन फ्री, ट्रेन कहीं से टूटी नहीं है बीच से, आप टेंशन फ्री रहिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ एक लाइट लगा रहता है जो कंटिन्यू नहीं जलता है बल्कि ब्लिंक करते रहता है, साइड में भी लगा दिया जाता है। ये इसलिए बताता है कि अगर बीच में कहीं ट्रेन में कोई फॉल्ट आ जाता है, ट्रेन रुकती है, तो पीछे से अगर कोई सेम ट्रैक पर ट्रेन आ रही है तो उसे वो लाइट दिख सके। अब ये लाइट को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो बैटरी से मिलती है। आप ट्रेन में सफर करते समय इस तरह से सीफा या डब्लू या डब्लू एल साइन देखे होंगे, या संटिंग साइन, सिग्नल साइन, इस सब का मतलब क्या होता है। और आप एक चीज और देखे होंगे कि कभी कभी सिग्नल ग्रीन रहता है फिर भी सब जो है ट्रेन में बड़ी धीरे धीरे ले जाता है, ये कॉशन इंडिकेटर क्या होते हैं सब, तो ये सब साइन का मतलब क्या होता है, इस सब में भी अंतर हम किसी और वीडियो में समझा देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।